क्या सच में राजवीर जी नहीं रहे तो दूसरे चैनल पर उन्हें क्यों दिखा रहे हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। अच्छा, आज मैं ना आपसे दो मिनट की सिर्फ बातें करने के लिए आई हूँ ब्लॉग पे। वो बात ये है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सपना चौधरी, हु इज सपना चौधरी स्नैपी गर्ल 2.0। ठीक है, तो सपना चौधरी को इस टाइम पे सब लोग जान रहे हैं और काफ़ी हद तक कि हर बंदा मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और सपना चौधरी एक ऐसी है, मैं ये भी बोलूँगी अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा नसीब का अच्छा करे अगर ये बात सच है तो, कि 2 साल पहले उनकी शादी सूरज चौधरी से हुई थी और सूरज चौधरी से भी उनका कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई सूरज चौधरी की। और उसके बाद उन्होंने उनके ही छोटे भाई राजवीर चौधरी से शादी की और पता चल रहा है एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि राजवीर चौधरी की भी डेथ हो गई है, करंट लगने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई है। तो मैं खुद बता रही हूँ आपको कि उनके शॉर्ट्स, उनके रील्स, उनकी बातें जो वो डाल रही हैं वीडियोज़ पर अपने चैनल्स पर, उन्हें देख के मैं खुद ज़ारों का कतार इतना रोई हूँ। मैंने उनको कई जगहों पे कमेंट्स किया है कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको सब्र दे। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, ये 2 साल के अंदर किसी लड़की के साथ 2 बार यही ट्रेजडी हो जाना। और उनके ख़ानदान के, उनके घर का तो 2 ही बेटे थे और दोनों ही ख़त्म हो गए। खैर, ये तो बात मैं स्नैपी गर्ल्स की कर रही हूँ जो उनके चैनल्स पर आ रहा है। उनकी बहन भी अपने भाई के लिए बोल रही है, जो शिवांगी क्या नाम है उनकी बहन का। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मैं मतलब कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूजन के तहत पूछ रही हूँ। कोई भी बंदा अगर उनके चाहने वाले को मेरा मैसेज पहुँचता है तो ये नहीं सोचे कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। मैं उनको आपके चैनल का तस्वीर भी दिखाती हूँ और ये उनकी बहन को भी दिखाती हूँ। और राजवीर जी दूसरे चैनल पर, उनके 5 चैनल है, 4 से 5 चैनल अपने चलते हैं। एक चैनल पर तो वो डेथ हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, जिसके लिए ये लोग रो रहे हैं, जिसके लिए उनकी बीवी आके रोती हैं, कहती हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हो और देना भी चाहिए अगर ऐसी बात हो गई है। लेकिन उनकी ही बहन के एक तीसरे चैनल पे 1 घंटे पहले कि राजवीर जी की अपने बच्चे के साथ खेलते हुए, बहनों के साथ बात करते हुए, अपनी माँ के साथ मिलते हुए की वीडियो डाली जाती है और कमेंट टर्न ऑफ कर दिया जाता है, कमेंट्स ऑफ कर दिया जाता है कि आप कोई भी व्यूवर्स कमेंट्स ना देख सकते। और सॉरी, ये बिल्कुल मत कहिए कि किसी दूसरे ने वो चैनल बना लिया, क्योंकि इतनी जल्दी कोई दूसरा चैनल बना के लाखों सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। तो उस पर लाखों सब्सक्राइबर हैं, आप ही लोग के चैनल है जिसपे मिलियंस में सब्सक्राइबर चल रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है? प्लीज़ अगर आप तक मेरी मैसेज पहुंचता है ना, तो आप इसे क्लियर करो। क्या सॉरी, अगर आप हर्ट होती हैं तो क्या व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा वो हो सकता है कि एक तरफ उनकी मौत का दिखा रहे हैं एक तरफ ये, और दूसरी बात ये कि आप लोग पल पल भर की न्यूज़ देते हो, एक एक पल में कैमरा सेट है, तो राजवीर जी की डेथ का क्यों नहीं दिखाया गया? उनकी एक तस्वीर तक भी नहीं दिखाएगी एडिट कर, एक तस्वीर, एक वीडियो, कोई चीज़ तो आता जिस वक्त उनकी अर्थी उठी, जिस वक्त उनका अंतिम संस्कार था। जितने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उन सबके आखिरी अंतिम यात्रा का वीडियो या फोटो होता है। फिर जिनके घर में पूरा घर ही 4-5 चैनल चलाता हो और वीडियोस बनाता हो, को किसी बंदे ने 2 मिनट की 1 मिनट की एक वीडियो नहीं बनाई, जो डाली ही नहीं। फिर दूसरा ये जाता है कि एक ही दिन में, एक ही 2 दिन के बाद उनकी माँ हंसती हुई आपके साथ काम करती दिखाई पड़ रही हैं और आप उनके साथ काम करती दिखाई पड़ रही हैं। हमारा भी अपना कोई हमसे बिछड़ा है तो हमें एहसास है कि अपने माँ बाप, औलाद और शोहर में से कोई एक अगर चला जाए ना, तो महीनों तो चेहरों पर हंसी नहीं आ सकती। खैर, अगर आपको ये साहस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी के पीछे जीना नहीं छोड़ते हैं, दुख अपनी जगह है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर ये बात झूठ है या ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ उसे अभी ही लोगों के इमोशन से मत खेलें। दूसरे चैनल पे वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं खेलते कूदते। मैंने परसों भी वीडियो देखी थी 5 घंटे पहले की, जो परसों मैंने देखी थी कि उसमें लिखा आया था 5 hours before, तो उसको भी मैंने देखा, उसमें भी राजवीर जी थे। कल मैंने देखी उसी चैनल की वीडियो, मुझे शो हुई क्योंकि उन्हें सब्सक्राइब कर लिया था 2 घंटे पहले की, वो वीडियो डिफरेंट था और ये वीडियो डिफरेंट है। मैंने तारीख भी जानने की कोशिश की, पिछले की भी वीडियो देखे, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता आप जो व्लॉग शूट करते हो वो सारे ही अपडेट होते जाते हैं। और जब आपके पास 3-4 चैनल हो तो सारे ही व्लॉग आप लोग डालोगे, मिनी शॉर्ट व्लॉग्स हों या कुछ भी हो। तो राजवीर जी के ये व्लॉग्स कहाँ से आ रहे हैं? अब आप इससे इनकार मत करिएगा, उनकी ही दोनों बहनों की तस्वीरें उस पर लगी हुई हैं। तो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ कि जो चैनल में मैंने देखा है। गाइज, ये तस्वीर जो है ना, ये कल के वीडियो की मैंने ली है, आप लोग जाके ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, स्नैपी गर्ल 02। ठीक है, इनके वीडियोस आप जाके देख लें, इनकी दोनों बहनों की तस्वीरें, उस पर लाखों में सब्सक्राइबर हैं, आपको ख़ुद पता चल जाएगा।
तो अगर ये चैनल फेक है और ये फेक वीडियोस डाल रहे हैं तो इनके पास वीडियो रोज न्यू आ कहाँ से रहे, और आप इन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और दूसरा ये कि आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि मैं वो बता रही हूँ आपको जो मैं देख रही हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैं परसों रात में भी इनके शॉर्ट्स देख रही थी, इनके हस्बैंड की साड़ियाँ ठीक कर रहे थे, मैं रो रही थी उसे देख के कि किसी की ज़िंदगी ऐसे कैसे उजड़ गई, हंसता खेलता परिवार कैसे ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ जो हकीकत हो ना उसे प्लीज़ मुझे मुझ तक भी पहुँचाइएगा, जो भी उनके चाहने वाले सपोर्टर हैं और इस चैनल पे भी जाएं। और अगर ये गलत फेक दिखा रहे हैं तो इनको स्ट्राइक करें, चैनल वालों को इनको रोकें। इन्होंने टर्न ऑफ किया हुआ है कमेंट्स का, पहले ऑन था अभी ऑफ कर दिया जब से राजवीर जी की न्यू वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो बस इसी के साथ मुझे दें विदा।